बड़ा पहाड़ बन चुका है। आगे निकलकर मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, शायद बिल्कुल गेंद को नहीं देख पा रहे हैं प्रियेश, यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं। आगे निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेकिन पहले बॉल देखना पड़ेगा। और ये वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अब घटता हुआ रिक्वायर्ड रन, पांच रन, पांच गेंदे पांच रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला। आए दर्शक अपने कदमों पे खड़े हो चुके हैं। और एम्पायर का इशारा वाइड और फर्स्ट बाउंस, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, इस पे बहस ना करें, आपत्ति ना जताएं। पांच गेंदों में चार रन, पांच गेंदों में चार रन, पांच गेंदों में चार रन। निर्णय पे सवाल नहीं, सर्वमान्य है एम्पायर यहाँ पर। पांच गेंदों में चार रनों की आवश्यकता है, प्रियेश पे एक बार और जिम्मा है यहाँ पे। और ये देखते हैं निर्णय क्या होता है एम्पायर द्वारा, एम्पायर के निर्णय का भी प्रतीक्षा है, क्या ये दो रन है, क्या ये चार रन है। और ये चार रन का फैसला एम्पायर द्वारा, और इस प्रकार जीत चुके हैं प्रोजेक्ट वन की टीम। खूबसूरत पीएसजी पैंथर की टीम हार गई है ये सही फाइनल, बहुत ही नाखुश होंगे। एक छोटी सी स्कोर थी, डिफेंड तो किया बड़े हौसले के साथ, लेकिन आखिर कप्तान चूक हो गई और मैच जिताया पीएस ने खूबसूरत चौका लगाकर। पीएसजी पैंथर की टीम बाहर हो चुकी है और अब जयपुर की टीम का मुकाबला होगा पीएसजी से, जो पहले ही फाइनल पहुंच चुकी है। हमें आशा है कि कल भी एक ऐसे ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। वो उसको शॉट था, वो देख रहा था बॉल लाइन से। पहली बार, बहुत बढ़िया।